दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप किसी भी फ़ोटो का बैकग्राउंड एक स्टेप में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए मैं एक फ़ोटो लिया। अब मैं यहाँ से इसको पिकआर्ट पे गया। अब ये थोड़ा सा ओपन हो जाए, ये ओपन हो गया, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा खुलने पे। ये हमारी फ़ोटो खुल गई। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इस फ़ोटो का बैकग्राउंड हटाएंगे। तो यहाँ से आप टूल में जाएंगे, टूल में जाने के बाद आप या आप सीधे ये कटआउट पे जाइए। एक कटआउट पे जाने के बाद इस फ़ोटो का जो मेन सब्जेक्ट है इसको, इस सब्जेक्ट हमने चूज़ कर लिया फ़ोटो का। अब यहाँ से हम इसको डन कर देंगे। अभी देखिए ये फ़ोटो हमारी पूरी तरह से कट चुकी है। यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। अभी हमने फ़ोटो सेव कर ली। अब सेव करने के बाद फिर हम वापस जाएंगे। ये वापस जाने के बाद हम यहाँ से एक बैकग्राउंड लेंगे जिस पे हमें ये फ़ोटो सेट करनी है। ये मैंने बैकग्राउंड ले लिया, अब ये बैकग्राउंड पे जितना अपन को चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेते हैं हम। ये जैसे मुझे इतना चाहिए तो मैंने ये दोनों साइड से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ से हम डन कर देते हैं। डन करने के बाद आपकी कटी हुई फ़ोटो आपके स्टिकर फोल्डर पे, पिकआर्ट के स्टिकर फोल्डर पे जाएगी। यहाँ से मैं माई स्टिकर पे जाऊँगा, कटआउट पे जाऊँगा, और कटआउट पे जाने के बाद आपकी ये फ़ोटो ये यहाँ आ चुकी है। अब इसको हम थोड़ा सा जूम कर देंगे और इस पर आप एक इफ़ेक्ट और डाल सकते हैं चाहिए तो। ये जैसे मैंने इसको यहाँ पे ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट करके लगा दी यहाँ पे। ये देखिए थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये फ़ोटो देखिए हमने यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ से हम स्टिकर पे जाके और एक बार फिर से हमने यही फ़ोटो सेलेक्ट की। अब इसका कैपेसिटी थोड़ा सा आप 30-40% करके और इसको आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। यहाँ से ब्रश से जाके थोड़ा सा हम ब्रश की साइज और बढ़ा देंगे और हार्डनेस की कम कर देंगे। उसके बाद ये देखिए ये हमने इसकी हार्डनेस कम कर दी। फिर यहाँ से ओके करके अब इसकी कैपेसिटी हल्का सा बढ़ा दीजिए। ये देखिए अब यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं। अब ये देखिए हमारी ये फ़ोटो का बैकग्राउंड 2 मिनट के अंदर चेंज हो चुका है। अब ये इफ़ेक्ट से जाएंगे और इस पर कोई भी आप इफ़ेक्ट डाल दीजिए। ये मैंने डॉटगर का इफ़ेक्ट डाल दिया। इसका कैपेसिटी लेवल हम 50 कर देते हैं। ये मैंने 50 करके इसको ओका कर दिया। अब यहाँ पे चाहिए तो आप अपने नेम का टैग लाइन भी लगा सकते हैं। इसके लिए आपकी जो भी नेम की टैग लाइन हो आप टेक्स्ट से लिख सकते हैं या आप बना के रखे हों तो उससे आप लगा सकते हैं। अब ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ से ब्लेंड में जाके इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा मैं ये बढ़ा देता हूँ। ये देखिए ये हमारी फ़ोटो इजली बन के तैयार हो गई। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने एक फ़ोटो का बैकग्राउंड सिंगल स्टेप में कैसे बदल सकते हैं। फ़ोटो से जुड़ी और भी ऐसी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।